नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं पीडीपी ऑफिस के बाहर। आज 5 अगस्त है और आप सबको याद होगा 5 अगस्त 2019 को, ठीक आज से 5 साल पहले, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया गया था, जिसको आज भी पीडीपी के साथ साथ अन्य पार्टी जो है काले दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस समय आपको सीधी तस्वीरें पीडीपी ऑफिस के बाहर की दिखाते हुए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जिस तरह से होर्डिंग है, काले दिन का काला कानून का मंजूर ना मंजूर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज धारा 370 के हटने के बाद जो है यहाँ पर आज के दिन को काले दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है और लोग अपने माथे पर जो है काला पट्टा बांधकर जो है अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ व्यक्त करते हुए, सिर्फ पीडीपी ही नहीं बाकी पार्टीज भी जो है शामिल है, और स्टेट सब्जेक्ट बहाल करो को लेकर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर आप पीछे की तरफ उस तरफ ध्यान दें तो सिक्योरिटी सिनारो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट किया गया है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त के दिन को जो है पीडीपी के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो इस समय पीडीपी की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, और जिस तरह से पीडीपी का ये कहना था कि आज का दिन जो है काला दिवस के रूप में मनाएंगे, जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता तब तक वो इसी तरह से जो है अपना रोष जो है सरकार के खिलाफ प्रकट करते रहेंगे। आज 5 अगस्त है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इस समय सिक्योरिटी को जो है चार चौबंद कर दिया गया है, और वहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से आज जो है काला दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? मैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू के डोगरों की शनाख्त को छीनकर, लद्दाखियों और कश्मीरियों की शनाख्त को छीनकर, जो लग बरस से कहते हैं हम डोगरा हैं, वो किस बात के लिए डोगरा कहेंगे? कल यहाँ यूपी, बिहार और बाकी जितने हमें लोग हैं वो यहाँ आकर बस जाएंगे तो जो हमारे जम्मू के लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी नौकरियाँ खाएंगे तो क्या ये हमारी पहचान रहेगी? और खासकर जो बार बार डंका बजाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, जाके पूछिए आज जम्मू के डोगरों का क्या हाल है, लोग बाहर के लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जो 2019 में हम बात करते थे आज वो बात से बहुत सिद्ध हो गई है, इसलिए आल पार्टीज बैठ के यही बात करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस दिया जाए और पूर्ण जो हमारी स्टेट है वो हमें वापस दी जाए। सर आज अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है और इस समय सिक्योरिटी जो है उसे चार चौबंद किया गया है। देखियो वो सिक्योरिटी का मसला है, आम लोग कश्मीरी भी जानता है, जम्मू का डोगरा भी जानता है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं रोकता, मगर ये बाहर दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे हैं। मैं साफ तौर पर कहना, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को कोई परेशानी नहीं, उनको कोई खतरा नहीं, तो जो भी ये लोग करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरे करने के लिए करते हैं। जम्मू के लोगों के जितने भी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो दिल से चाहते हैं अमरनाथ यात्रा आए, यहाँ पर यात्री आए, मगर उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम है जो लोग कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों देख लिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर महफूज नहीं, बाकी क्या होगा, जय हिंद जय भारत। जो बीजेपी बार बार डंका यहाँ पीटती है सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है, मगर इनकी कारकर्दियों का ही नतीजा है जो आज माहौल खराब हो रहा है। तो जिस तरह से आज आपने देखा यहाँ पर सिर्फ पीडीपी ही नहीं बाकी पार्टीज की तरफ से जो है यहाँ पर इस समय रोष प्रकट किया जा रहा है, और अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी देखें तो सिक्योरिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा टाइट रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से आज का दिन जो है बड़ा अहम दिन है, आज ही के दिन धारा 370 और 35A को जो है निरस्त किया गया था और इसको लेकर कई सारी पार्टीज ने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया था, और उसका असर आज भी जो है वो देखने को नजर आ रहा है, जहां पर आज पीडीपी के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है इस समय गुस्सा जो है वो पनप रहा है, और लोग जो है इस समय अपने माथे पर जो है काली पट्टी बांधकर जो है इस समय अपना प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उनका गुस्सा इसी तरह से बरकरार जो है वो बना रहेगा। इस समय पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी उनसे भी जानते हैं। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम काला दिन मना रहे हैं, 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त हमसे छीनी गई, हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना, रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, यूटी बनाया, यूटी में तब्दील किया, और सबसे बड़ी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिली थी वो हमसे छीनी गई, उसके लिए आज हम सड़कों पर हैं। हम आज से नहीं 5 साल से इसको काला दिवस मनाते हैं, और जब तक हमारे हकूक वापस नहीं आते उसको काला दिन ही हम मनाते हैं। लेकिन आप इन 5 सालों में क्या बदलाव देखते हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरह के बदलाव हुए जब से ये आर्टिकल 370 बदलाव आए? जम्मू कश्मीर में बदलाव आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मकान अमनीशन डिपो के पास बना, आपका और मेरे रिश्तेदारों का मुट्ठी में
एक मरले मकान के ऊपर लेंटर नहीं पड़ सकता, लेकिन इनके म्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बने, इन्होंने आर्मी के ऊपर FIR लगाई, ये बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारी बंगलों में काबिज हैं, ये बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर इल्जाम लगे हैं, रेत बजरी के पैसे वो खा रहे हैं, ये बदलाव आए। और बदलाव इल्जाम लगाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी का XMLC। भारतीय जनता पार्टी के राज में नई बस्ती के लोगों को बुलडोजर लगा के मकान उतारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में लोगों के आशियाने छीने के बदलाव आए। मैंने कब कहा बदलाव नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बने और आली शानदार दफ्तर बन चुके। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर में जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये बदलाव इनको मुबारक। हमें पहले वाले भारतीय जनता पार्टी, हमें पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहिए। जिस तरह से बात की जा रही है, जुडिशरी ने भी ये कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले, इलेक्शन से पहले पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है अब उसका कहीं ना कहीं सुबगहट जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कि स्टेटहुड की बहाली जो है वापस होगी? पहली बात तो ये है कि ये कोई एहसान हम पे नहीं करना किसी ने, हमारा छीना है। भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। 5 साल से हमारा स्टेटस छीन के तो ये हमें 8 साल से बिना असेंबली के रखना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है, लेकिन BJP सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। ये मैं इनका इतिहास बताता है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डिनेंस जारी करती है, दूसरे दिन पार्लियामेंट लगा के कानून बनाती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान। अब पता नहीं ये मानते हैं नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी इस बात में जरूर है कि जम्मू कश्मीर को लूट कर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बेच दिया। आज हमारे नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, हम हर काम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐश प्रस्ती में मगध है, जो मैंने पहले ही बता दिया, जो काम जो कर रहे हैं। तो यह दिन काला दिन है और तब तक रहेगा जब तक हमारे आंखों को वापस नहीं आते। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पर PDP के द्वारा उनके ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सिर्फ PDP ही नहीं बाकी भी और पार्टीज इसमें शामिल थी। और जिस तरह से आज के दिन को ये काले दिवस के रूप में मानते हैं, और इनका ये मानना है कि ये दिन तब तक काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा जब तक इनके हक और हकूक इन्हें BJP सरकार वापस नहीं देती। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।